नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो डाला था दोस्तों, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी कि अखिलेश यादव जी ने और नेताजी ने और सभी पार्टी ऑफिस से एक कमान संभालने के लिए रामपुर विधानसभा सीट दी गई है धर्मेंद्र यादव जी को। उसमें मैंने ऐसा बोल दिया था कि धर्मेंद्र यादव जी उधर प्रत्याशी है। दोस्तों, ऐसा प्रत्याशी नहीं है, जो हमारा प्रत्याशी रहेगा, जो खड़ा रहेगा, अखिलेश यादव जी जिसको खड़ा करेंगे, उनका प्रचार करेंगे। क्योंकि रामपुर में ऐसा है कि आजम खान साहब के बहुत सारे केस चल रहे हैं, प्रशासन ने पूरा उनको दबाव में रखा है। तो वही रीज़न की वजह से रामपुर विधानसभा सीट का प्रचार का और सभी चीज़ का धर्मेंद्र यादव जी को वो एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि रामपुर में आप ही प्रचार करोगे और आपको ही आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप सीट वो जिता के दोगे। तो मेरे वीडियो में ऐसा बोला गया था दोस्तों कि धर्मेंद्र यादव जी को उधर का प्रत्याशी बनाया है। वो थोड़ी गलती हुई थी दोस्तों मुझसे, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और अभी जो बात सामने आई है पार्टी ऑफिस से और सब जगह से मैंने इंक्वायरी की, तो उन उधर की जिम्मेदारी दी गई है धर्मेंद्र यादव जी को, ना कि प्रत्याशी घोषित किया है। और ये जानकारी भी आपने जो पिछले वीडियो को जितना वायरल किया था, जितना प्यार दिया था, ये जानकारी भी पहुंचाने में मदद करे दोस्तों, ताकि आगे ज़्यादा खराब नेगेटिविटी ना फैले अपनी पार्टी के प्रति। इसलिए अभी भी वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ दोस्तों, बस यही कहना था। और आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली उसके लिए माफ़ी चाहूँगा वापस। ऐसे ही वीडियो आपको सही जो इन्फॉर्मेशन होगी वो देता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये मैसेज सब तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही था, मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखिलेश, जय समाज।